हेलो स्टूडेंट, दिस ऋषि गुप्ता एंड यू आर सिंग स्टडी गियर। तो आज है क्लास 10th के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कार्बोक्साइलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज को समझा था, और ये वाला जो टॉपिक है मतलब आज की वीडियो के टॉपिक शुरू के पूरे पिछले वाली वीडियो पर बेस हैं। तो पहले आप इससे पिछली वाली वीडियो देखिए, ठीक है। और आज के हम एसिडिक एसिड समझेंगे, प्रिपरेशन मेथड समझेंगे, क्विक विनेगर प्रोसेस, ठीक है, ग्लेशियल एसिडिक एसिड समझेंगे और हेलोजिनेशन प्रोसेस समझेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एसिडिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एसिडिक एसिड, एक बात बता रहा हूँ, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। आप समझिए ये क्या होता है। सबसे पहली बात तो इसमें यह लिखी कि एसिडिक एसिड कार्बोक्साइलिक होमोलोगस सीरीज का सेकेंड मेंबर होता है। इसका IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है। इसका मेजर सोर्स विनेगर होता है। विनेगर क्या होता है? डाइल्यूट एसिडिक एसिड, मतलब जो एसिडिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूट हो, ठीक है ना, वो होता है डाइल्यूट एसिटिक एसिड। इसका विनेगर का लैटिन नेम, मतलब लैटिन भाषा में जो नेम होता है वो एसिटम होता है, ठीक है। एसिटम नेम के बेस पर ही इस एसिड का नाम पड़ा एसिटिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ एसिटम नेम के बेस पर ना, ठीक है, इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ा। क्या होता है एसिटिक एसिड? कार्बोक्साइलिक होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर होता है। IUPAC नेम इसका इथेनोइक एसिड होता है। इसका मेजर सोर्स विनेगर होता है, जिसका लैटिन भाषा में नेम एसिटम होता है। एसिटम के बेस पर इसका नाम पड़ा है एसिटिक एसिड। अब हमने एसिटिक एसिड समझ लिया क्या होता है, लेकिन अब प्रिपरेशन मेथड हम समझते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, नहीं तो हमें मालूम नहीं पड़ेगी कैसे बनता है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड यूज़ की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट, रैपिड विनेगर मेथड। ये मेथड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसको ध्यान से समझना और हो सके तो अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल घोल के पी जाना इस वाली मेथड को। तो चलिए फिर समझते हैं। रैपिड विनेगर मेथड में सबसे पहले ये होता है कि इथाइल एल्कोहल जो रिएक्ट करता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? बैक्टीरिया माइकोडर्मा एसिटिक की प्रेजेंस में। इथाइल एल्कोहल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बैक्टीरिया माइकोडर्मा एसिटिक की प्रेजेंस में, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद डाइल्यूट एसिटिक एसिड बनाता है, जिसे हम विनेगर कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था विनेगर डाइल्यूट एसिटिक एसिड को कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रैपिड विनेगर प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस की रिएक्शन समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इथाइल एल्कोहल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा था। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस के साथ, किसकी प्रेजेंस में? माइकोडर्मा एसिटिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, ठीक है। तब जाके ये डाइल्यूट एसिटिक एसिड बना रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का? CH3COOH, तो एसिटिक एसिड बना दिया, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ वाटर निकलेगा, यदि डाइल्यूट है तो कुछ ना कुछ वाटर निकलेगा, ठीक है, वाटर निकला, इसी वजह से हमें पता चली कि डाइल्यूट बना है एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, पहले इसकी प्रोसेस समझते हैं कि कैसे बनाएंगे उस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि जब पहले हम प्रोसेस समझ लेंगे तो हमें डायग्राम समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए फिर प्रोसेस समझते हैं एसिटिक एसिड बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें एक बकेट शेप्ड कंटेनर होता है, उसमें हम लोअर एंड पे यानी कि नीचे वाले एंड पे, नीचे वाले हिस्से पे हम कुछ होल्स करते हैं, ठीक है, और उन होल्स में हम वुड के मतलब लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस काट कर डाल देते हैं, और साथ ही साथ ओल्ड विनेगर सॉल्यूशन भी डालते हैं, जो हमारा पुराना विनेगर सॉल्यूशन होगा वो भी डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब करने के बाद, इतना इतना हिस्सा ख़त्म करने के बाद 10% इथाइल एल्कोहल मिक्स करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इथाइल एल्कोहल मिक्स करेंगे, और इथाइल एल्कोहल ऐसा मिक्स करेंगे जिसमें कुछ अमोनियम सल्फेट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, कुछ अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट होगा, ऐसा इथाइल एल्कोहल हम मिक्स करेंगे। तो इथाइल एल्कोहल ड्रॉप करने के बाद विनेगर एकदम से बन जाएगा। कैसे बनेगा विनेगर? क्योंकि ऊपर से देखो बकेट शेप्ड कंटेनर लिया, उसमें होल्स किए हमने लोअर एंड पे, ठीक है, उसके बाद वुड कटिंग पीसेज डाले, उसमें ओल्ड विनेगर सॉल्यूशन डाला, 10% इथाइल एल्कोहल डाला, तो क्या था, माइकोडर्मा एसिटिक की बैक्टीरिया की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपने आप ये विनेगर बनाएगा, और वो भी लोअर सर्फेस पर, ध्यान रखना नीचे वाली सर्फेस बनाएगा ना कि ऊपर वाली पे। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड बनेगा। यह है पूरा क्विक विनेगर प्रोसेस का डायग्राम। अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि विनेगर यानी कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड कैसे बनाया जाता है। अब इस डायग्राम में सबसे पहले तो मेनली बार बार वाली चीज़ें बताता हूँ कि ये पूरा जो डिब्बा ऐसा है, इसे हम वुडन बेड कहते हैं, क्योंकि लकड़ी का होता है इसलिए इसे वुडन बेड कहते हैं, ठीक है। ये नीचे हमने वैसे एक बीकर रख दिया है, जिसमें हम विनेगर को कलेक्ट करेंगे बनने के बाद। तो चलिए समझते हैं कि शुरू में क्या होता है। सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डाइल्यूट एल्कोहल का सॉल्यूशन डालेंगे ऊपर से यहाँ से, ठीक है, ये सॉल्यूशन नीचे आएगा,
तो और इस चीज़ को परफोरेटेड टॉप कहते हैं इसे। ये चीज़ यहाँ से होती हुई जाएगी, डाइल्यूट एल्कोहल सॉल्यूशन यहाँ से होता हुआ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से होने के बाद हमने क्या पढ़ा था लैंग्वेज में, कि वुड के कुछ वुड काट के छोटे छोटे पीसेस हमें डालने हैं, तो वुड सॉ, ठीक है, ये हमने वुड के पीसेस डाल दिए, वुड सॉ को ही वुड कटिंग पीसेस कहते हैं। ये वुड सॉ डाल दिया हमने, ठीक है, और डायल्यूट एल्कोहल सॉल्यूशन नीचे आ गया, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर एयर होल्स होते हैं, ये वाइट वाइट कलर के जो हैं ये एयर होल्स होते हैं, ठीक है, ये एयर होल्स होते हैं, ये यहाँ से होते हुए जाएगी, ये चीज़ पूरी फिर से रिएक्ट करेगी, रिएक्ट तो कर ही रही है, तो यहाँ से होती हुई जाएगी, नीचे आते आते धीरे धीरे आके यहाँ पे ये विनेगर बनाएगी, ठीक है, वो पूरी रिएक्शन अंदर होगी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे बनाएगी, पूरी रिएक्शन अंदर होगी और लास्ट में फाइनली विनेगर आपका यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, आपका विनेगर बन जाएगा डायल्यूट एल्कोहल सॉल्यूशन, डायल्यूट एल्कोहल सॉल्यूशन इन डायल्यूट एसिडिक एसिड, ठीक है, मतलब विनेगर, और आप नीचे कलेक्ट कर सकते हैं इस बीकर में। तो इस प्रकार हम विनेगर बना सकते हैं रैपिड विनेगर प्रोसेस, यानी क्विक विनेगर प्रोसेस के थ्रू। हम रैपिड विनेगर को क्विक विनेगर प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि रैपिड का मतलब क्या होता है, एकदम जल्दी से, ठीक है, और क्विक का मतलब क्या होता है, एकदम जल्दी से, तो एक ही चीज़ है, इसलिए रैपिड लिख लो चाहे क्विक लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार हम बनाएंगे क्विक विनेगर प्रोसेस के थ्रू विनेगर को। एसिटिक एसिड हमने समझ लिया, और एसिटिक एसिड बनाने की प्रिपरेशन मेथड समझ ली। अब हम समझेंगे एक अलग ही टॉपिक, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। हर वीडियो में मेरी एक अलग टॉपिक आता है, जैसे कि पिछली वीडियो में कार्बोक्साइलिक एसिड आया था एकदम से बिल्कुल अलग टॉपिक, इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड आया है। आपने कभी सुना नहीं होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता क्या है, इसलिए ये टॉपिक में लाया हूँ। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कैसे होता है, क्या कैसे बनता है और क्या होता है। सबसे पहले तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड को हम इस तरीके समझेंगे, जो प्योर एसिटिक एसिड होता है, प्योर एसिटिक एसिड को हम कूल करते हैं इतने टेम्परेचर पर, 288,000 टेम्परेचर, मतलब 288,000 टेम्परेचर पे हम उसे कूल करते हैं। तो उससे कूल करने से क्या होगा, वो बर्फ़ की तरह बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। सही बात है, कूल करोगे तो हार्ड होगा और हीट कर दोगे तो मेल्ट होगा, ठीक है, तो हाई से ऐसे हार्ड हो जाएगा, ठीक है, और शाइन करेगा बिल्कुल एक कैसे ग्लेशियल के जैसे, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं। ये होता है ग्लेशियल एसिडिक एसिड। अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक समझते हैं, हेलोजिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको 11th में और अच्छे से समझाई जाएगी, अभी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है। जब हम एसिटिक एसिड को हीट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्लोरो एसिटिक एसिड बनता है। क्या होता है, जब हम एसिटिक एसिड को हीट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्लोरो एसिटिक एसिड बनता है। इसी प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन कहते हैं। अब समझिए इसकी रिएक्शन। सबसे पहले तो एसिटिक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ, यानी कि Cl2 के साथ, ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करेगा, तो आप एरो के ऊपर चाहें तो रेड फॉस्फोरस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड क्लोरीन गैस के साथ, तो ये बनाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है Cl CH2 COOH, क्लोरो एसिटिक एसिड। और साथ ही साथ कुछ HCl भी निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये होता है हेलोजेनेशन। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, इसके अगली आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, तब तक के लिए बाय।